हाय गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज। तो शुरू करते हैं माइकल क्रिजो से। करंटली माइकल 6.5 वीक्स आउट हैं और ये अपडेट उन्होंने डाली है अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी जैसा कि हम जानते हैं गाइस, यहां पर बहुत कंफ्यूजन हो रखी है कि माइकल क्रिजो आईबीपी प्रो लीग के लिए कैसे और कैसे वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जैसा हमें पता लगा है कि जो शो माइकल अब नेक्स्ट करने वाले हैं वो शो है गाइस एमेच्योर ओलंपिया, जिसके लिए माइकल अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी 6.5 वीक्स ऑलमोस्ट आउट हैं। ये शो होने वाला है इटली में 8 अक्टूबर को। तो गाइज ये वो शो है जिसमें माइकल आईबीपी प्रो कार्ड के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं। और साथ में गाइज इनकी फिजिक देखिए, इसको देखकर इनकी करंट कंडीशन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इन्हें कोई भी दिक्कत होने वाली है आईबीपी प्रो कार्ड हासिल करने में। और अक्टूबर का मंथ माइकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज गाइज प्रो कार्ड हासिल करने के बाद माइकल नेक्स्ट जो ट्राई करेंगे वो है प्राग प्रो, जिसके जरिए वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो गाइस इस बार का ओलंपिया बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इमेजिन करिए कॉल आउट है और उसमें कॉल आउट करा गया है निक वॉकर को, हंटर लब्राडा को और माइकल क्रिजो को। और साथ ही साथ गाइस आपको पता है एंड्रयू जैक ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो हमें पता है निक वॉकर एक मास मॉन्स्टर हैं और इस बार हंटर लब्राडा ने भी काफ़ी साइज गेन करा है। और एंड्रयू जैक की जो कंडीशनिंग है उसकी तो बात क्या ही करें, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और सोशल मीडिया पे बहुत हाइप सी बन रही है। क्योंकि गाइस हम बहुत बार देख चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो सोशल मीडिया की हाइप को स्टेज पर नहीं बनाए रख पाते, लेकिन रिसेंटली हमारे सामने कुछ अलग हुआ है। हमारे सामने निक वॉकर जो अपनी हाइप को बनाए रखते हुए उससे कहीं बेहतर डिलीवर कर चुके हैं, और एंड्रयू जैक जो बहुत टाइम से चर्चा में बने हुए थे और जब वो स्टेज पर चढ़े तो उन्होंने डिलीवर भी किया और अब वो एक थ्रेट बन चुके हैं सबके लिए। और मुझे लगता है गाइस माइकल क्रिजो अब वो अगले बॉडी बिल्डर हैं जो इस साल बहुत कमाल की परफॉर्मेंस देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने पहले कभी कम्पीट नहीं कराया। क्योंकि जब इन्होंने आईबीबी एलीट प्रो में कम्पीट करा था, जिसमें ये पहले कम्पीट करा करते थे, तो हाँ ये सच है कि कॉम्पिटिटर इतने स्ट्रांग नहीं थे वहाँ पर जितना आईबीबी प्रो लीग में हुआ करते हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ बेसिकली सब कुछ जीता। ये वहाँ बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर थे और ऑलमोस्ट कभी भी बीट नहीं करे गए, और अब इनको वही चीज़ इस आईबीबी में कैरी करनी है और ये बहुत जल्दी करने भी वाले हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इनको प्रो कार्ड हासिल करने में या फिर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने में कोई भी इशू होने वाला है। बट जो रियल क्वेश्चन है गाइस वो ये बनता है कि जब ये स्टेज पर होंगे ओलंपिया के तो ये कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा भी नहीं है कि इनकी फिजिक में कोई वीक पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें हार्डी चुपन, एंड्रयू जैक वगैरह को, तो कितने ज़बरदस्त डीप कट वाले एप्स लेकर आते हैं। माइकल क्रिजो को उस चीज़ पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, बट गाइस इनका फ्रंट डबल बाइसेप इनका सबसे स्ट्रांग पोज है, उसमें इनको कोई भी मैच नहीं कर सकता। फ्रंट डबल बाइसेप ये अमेजिंगली हिट करते हैं और इनका मोस्ट मस्कुलर भी गाइस प्रॉबेबली स्टेज पर सबसे बढ़िया है और आईवी में किसी को भी टक्कर दे सकते हैं इस पोज के अंदर। इसके अलावा इनके साइड शॉट्स जो होते हैं, यानी कि साइड ट्राइसेप्स वगैरह, बेसिकली इनके शोल्डर्स और आर्म्स जो हैं वो अनमैचेबल हैं इस पॉइंट पर। एंड आई थिंक गाइस ये ओलंपिया के टॉप 6 कंटेंडर हो सकते हैं इस बार, क्योंकि जैसा कि हम लेजेंड्स से सुन रहे हैं, पुराने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर से, कोचिज से सुन रहे हैं इनके बारे में, तो जो हम देख भी रहे हैं, तो गाइस ये लगता है कि इस बार ये अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, ये और साथ ही साथ एंड्रयू जैक, ये दोनों ही अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही टॉप 6 के कंटेंडर हो सकते हैं। तो गाइस कमेंट में बताना ना भूलें, ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है माइकल क्रिजो के पोटेंशियल के बारे में, क्योंकि अब ये अटेम्प्ट करेंगे 8 अक्टूबर को एमेच्योर ओलंपिया में, और अगर वहाँ आईबीपी प्रो कार्ड हासिल कर लेंगे, जो कि मुझे लगता है हासिल कर लेंगे, तो ये प्राग प्रो में अटेम्प्ट करेंगे ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करना अक्टूबर के एंड के अंदर ही। तो गाइस कितना रियलिस्टिक लगता है कि ये दोनों चीज़ों के लिए कर पाएंगे, क्या लगता है, जो भी है आप बताएं ज़रूर। नेक्स्ट अपडेट में गाइस बात करते हैं उस स्टोरी के बारे में जिसके लिए प्रॉबेबली आपने इस वीडियो को क्लिक करा है, बिग रैमी की न्यू फिजिक अपडेट, जिसमें वो गाइस हैं ऑलमोस्ट 16 वीक्स आउट 2022 के मिस्टर ओलंपिया से, और इस बार वो अपने थर्ड ओलंपिया टाइटल को जीतने की तैयारी कर रहे हैं और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। एंड आई थिंक ये बिग रैमी का बेस्ट ऑफ सीजन वर्जन है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक इसका जो रीज़न है वो ये है कि बिग रैमी और उनके कोच दोनों ही जानते हैं कि बिग रैमी को लास्ट ईयर से भी बेहतर दिखना पड़ेगा अगर उनको ओलंपिया टाइटल को थर्ड टाइम जीतना है। एंड आई थिंक गाइस जो हमने फर्स्ट वर्जन देखा था बिग रैमी का, आई मीन जो फर्स्ट टाइम इन्होंने टाइटल जीता था, वो वर्जन वो बिग रैमी का बेस्ट वर्जन था। एंड आई थिंक लास्ट ईयर ये बहुत अच्छे शेप में थे विद साइज एंड एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनबीटेबल थे। पैंडन करी जो उस टाइम के रनर अप थे लास्ट ईयर, तो उन्होंने काफ़ी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दिया था बिग रैमी को, और वो जानते हैं कि अगर वो लास्ट ईयर से बेहतर नहीं देखते हैं तो उन्हें टाइटल इस बार नहीं मिलने वाला है। बट मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक जो हम बिग रैमी की अपडेट्स देख पा रहे हैं वो इनका बेस्ट वर्जन है अभी तक का इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जो ये अपनी किसी भी प्रेप में दिखे हैं। और कमाल की बात यह है गाइस कि इस टाइम पे ये हैं ऑलमोस्ट 340 पाउंड के, और इनकी वेस्ट देखिए कितनी स्मॉल है और एब्डोमिनल पार्ट कितना इन्होंने समेट के रखा हुआ है इस वेट पर,
और इनके शोल्डर्स बिल्कुल क्रेजी राउंड हो रखे हैं, बिल्कुल वाइड हो रखे हैं, 340 पाउंड जो बहुत ही ज्यादा बॉडी वेट है गाइस, और इस पर भी बिग रैमी इतने ज्यादा लीन दिख रहे हैं, तो ये बात अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। आई थिंक जो हम बिग रैमी के साथ देख रहे हैं वो ये है कि अकीम विलियंस और कमाल एलगार्डनी के साथ भी हम तो देख चुके हैं, जिसमें अकीम एक डिसेंट शेप में आए थे बट कमाल से बहुत ज़्यादा बड़े थे इन टर्म्स ऑफ मसल, इन टर्म्स ऑफ साइज, जबकि कमाल बहुत ज़्यादा ही श्रेडेड थे और कंडीशन थे, और क्योंकि वो ओपन बॉडी बिल्डिंग है अकीम जीत गए। वो बहुत ज़्यादा बड़े थे इन टर्म्स ऑफ साइज बट उनकी कंडीशनिंग भी ठीक ठाक थी, लेकिन बिग रैमी के साथ हम जो देख चुके हैं वो फर्स्ट टाइम जब जीते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा श्रेडेड आए थे, और इसलिए उनके लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा खतरा जो हो सकता है वो हो सकता है हार्डी चूपन। हार्डी इस पूरे लाइनअप में वो इकलौते बॉडी बिल्डर हैं जो मुझे लगता है गाइस कि अगर उन्हें एक जजेस ने एक मौका दिया, एक कॉल आउट दिया सिर्फ बिग रैमी के साथ में फर्स्ट और सेकंड प्लेसिंग के लिए, तो आई थिंक हार्डी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन आते हैं और लास्ट ईयर भी हार्डी बहुत ज़्यादा कंडीशन थे ब्रैंडन करी और बिग रैमी के मुकाबले, तो जजेस ने अगर उन्हें एक मौका दिया पोस्ट टू पोस्ट कॉल आउट में, तो आई थिंक हार्डी चूपन एक वो बॉडी बिल्डर हैं जो बिग रैमी को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर सकते हैं और क्या पता बिग रैमी को बीट भी कर दें। आई थिंक बिग रैमी ये जानते हैं कि उनको अपना ऑल टाइम बेस्ट इस साल के ओलंपिया में लाने की ज़रूरत है, और लगता है कि वो बिल्कुल यही कर रहे हैं, और अब तक जितने भी कॉम्पिटिटर जो टॉप स्पॉट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी अपडेट्स को देखकर इस पॉइंट पर रैमी के कंपैरिजन में कोई भी नहीं लग रहा है। लेकिन गाइस अब जैसे कि हम जानते हैं ओलंपिया बहुत करीब आ गया है, तो प्रोबेबली हमें बहुत सारी अपडेट्स देखने मिलेंगी दूसरे क्वालिफाइड कंपेटिटर से, और दूसरे लोग भी क्वालिफाई करने वाले हैं। गाइस आज की फाइनल अपडेट में जेरेमी बॉन्डिया ने एक रीसेंट पोस्ट पर कमेंट करके कंफर्म किया है कि वो 2023 में मेंस फिजिक में कमबैक कर रहे हैं। जेरेमी ने काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन फिर से कर लिया है जो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जेरेमी ने काफ़ी वेट और साइज लूज कर दिया था अपनी इंजरीज की वजह से, और वर्कआउट भी सही से नहीं कर पा रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से। तो इस कमेंट में जेरेमी ने कहा कि 2023 आई एम कमिंग बैक फॉर इट ऑल। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह जेरेमी बॉन्डिया या फिर मेंस फिजिक के फ़ैन हैं तो एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए भी। जब से मेंस फिजिक डिवीजन से जेरेमी बॉन्डिया गए हैं तो मेंस फिजिक डिवीजन को एक फेस नहीं मिल पा रहा है, और ये सच है गाइस कि जैसे क्रिस बम्स्टेड क्लासिक फिजिक डिवीजन को इतना लाइमलाइट में ले गए, इतना पॉपुलर बनाया, वैसे ही जेरेमी बॉन्डिया ही थे जिन्होंने मेंस फिजिक डिवीजन को इतना पॉपुलर बनाया। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक होगा, जिस तरह का वर्क एथिक और फिजिक को लेकर जेरेमी बॉन्डिया हमेशा आते हैं। अपना बताऊं तो मैं तो इस चीज़ को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं हमेशा से ही जेरेमी बॉन्डिया का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है, और आई होप आप सबने ये वीडियो इन्जॉय करा हो। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को अगर आपने इस वीडियो को इन्जॉय करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी अपडेट आपके लिए आपकी सपोर्ट से ही आपके पास लाता रहूँ।